दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दो तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश की कैसे थर्ड फ्लोर पर ये आग बढ़ती ही चली गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और जो दमकल विभाग के कर्मी हैं, प्रशासन की टीम है, मौके पर मौजूद है। लोगों को किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, प्राथमिकता यही है कि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन खबर ये भी मिल रही है, जानकारी ये भी है कि कुछ लोग झुलस गए हैं जिन्हें पास के ही अस्पताल में जल्द से जल्द पहुंचाया जा रहा है। हालांकि संख्या अभी तक पुख्ता सामने नहीं आई है और अभी तक होटल की तरफ से भी कोई बयान नहीं दिया गया है। जो अभी तक जानकारी मिली है उसके अनुसार ये आग शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और उसके बाद ये आग दूसरे फ्लोर्स पर भी बढ़ती चली गई। कई लोग इस होटल में मौजूद थे, कुछ महिलाएं भी, देखिए जब रेस्क्यू हो रहा था उस दौरान उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और किसी महिला को जब बचाने की कोशिश हो रही थी उस दौरान की तस्वीरें, लोगों को बचाने की कैसे जद्दोजहद यहां पर लगातार की जा रही है क्योंकि प्राथमिकता यही है कि इनको जल्द से जल्द होटल से बाहर निकाला जा सके और कैसे विंडो यानी कि खिड़कियों के माध्यम से, खिड़कियों को तोड़कर एक सीढ़ी लगाकर उनको बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। ये लवाना होटल है जो कि हजरतगंज इलाके में है, काफी पॉश इलाका ये माना जाता है लखनऊ का, और इसमें ये आग लगी। हालांकि इसके बाद ही जांच होगी, पता चलेगा, खुलासा होगा कि आखिर कोई चूक हुई है क्या, कोई लापरवाही बरती गई है क्या, तमाम जो नियम होते हैं क्या उनका पालन किया गया था। हालांकि अभी प्राथमिकता यही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके और सुरक्षित उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि कई लोग इस आग में झुलसे हैं जिन्हें पास ही अस्पताल में ले जाया जा रहा है। लखनऊ का ये होटल है, हजरतगंज इलाके में मौजूद लवाना होटल, जो कि काफी पॉश इलाका है हजरतगंज इलाका लखनऊ का, और लवाना होटल जाना माना होटल जिसमें ये आग लगी है। लखनऊ के होटल में लोगों को अब बाहर निकालने की इस होटल से कवायद की जा रही है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का काम लगातार जारी है। ऐसे में कई लोग इस होटल में मौजूद हैं जो कि फंसे हुए हैं और देखिए ड्रिलिंग मशीनों के जरिए जो खिड़की है उनको बाहर निकाल कर फेंकने का काम और लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। खिड़कियों को तोड़कर लोगों को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। ये लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हजरतगंज के लवाना होटल में भीषण आग लगी। हालांकि अभी इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि आग लगने की वजह क्या है, आग कैसे लगी इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं। लेकिन देखिए कैसे एक महिला को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है और उन्हें सीढ़ी के माध्यम से, जो यहाँ सीढ़ियाँ लगाई गई हैं उसके माध्यम से उन्हें नीचे उतारा जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, लखनऊ के हजरतगंज में ये पॉश इलाके में ये होटल लवाना, जहां के तीसरे फ्लोर पर आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और किस तरीके से खिड़की से बाहर निकाला जा रहा है। वहां अंदर जो लोग फंसे हुए हैं वो आप देख पा रहे हैं कितना चुनौतीपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि खिड़कियों के बाहर सजावट के लिए लोहे के पैनल्स लगाए गए थे और उन लोहे के पैनल्स को तोड़कर और अंदर शीशे को तोड़कर यहाँ जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश फायर ब्रिगेड कर्मचारी लगातार कर रहे हैं। धुआं भी उठता हुआ आप देख पा रहे हैं। तीसरे फ्लोर पर ये आग लगी और जो लगातार धीरे धीरे फैलती जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि धुआं होने की वजह से वहाँ पर जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनके लिए मुसीबतें और बढ़ गई हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो फायर अटेंडेंट्स है किस तरीके से खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। कड़ी मशक्कत का सामना यहाँ पर उन्हें करना पड़ रहा है क्योंकि डेकोरेशन के लिए पैनल्स लगाए गए थे लोहे के और उन्हें तोड़कर फिर अंदर के कांच को तोड़कर वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हजरतगंज का इलाका है, कृषि भवन सामने ही है, ऐसे में काफ़ी पॉश इलाका है, ये पॉश होटल भी है और यहाँ पर क्योंकि सुबह के वक्त ये आग लगी तो कई ऐसे लोग थे जो अंदर सो रहे थे, बहुत देर से उन्हें आग लगे होने का एहसास हुआ और बाहर निकलने की जो कोशिशें हैं वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियाँ लगाई गई हैं जहाँ फायर फाइटर्स लगातार अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों की तबीयत ऐसे में बिगड़ी भी है, लेकिन पुख्ता तौर पर कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं इसके बारे में जो जानकारी है वो थोड़ी देर बाद सामने आ पाएगी। आग कैसे लगी इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आग लगने की मुख्य वजह क्या है, लेकिन अंदेशा इस बात का है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी जो धीरे धीरे होटल के चारों ओर फैलने लगी। और तीसरे फ्लोर पर आप देख पा रहे हैं, मुख्य तौर पर तीसरे फ्लोर पर आग लगी और वहां से धुआं उठता हुआ भी आप देख पा रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहां किस तरह
जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। पहले पैर उनके बाहर खींचकर उन्हें अंदर से बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। खिड़की के पैनल पर बाहर की साइड आप एक महिला को भी खड़ा हुआ देख पा रहे हैं, शायद ये उसी का रूम है और उसके जो अंदर और परिचित हैं जो फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश। नीचे भी तमाम लोग खड़े हुए हैं और इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो फायर ब्रिगेड की कुछ और गाड़ियों को भी बुलाया जा सकता है। सीढ़ियों की मदद से तमाम फायर फाइटर्स ऊपर पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो दिक्कतें मेन आ रही हैं, जो मेन अड़चन आ रही है वो है खिड़कियों पर बाहर की तरफ लगे हुए लोहे के पैनल, जो जिन्हें काटकर फिर अंदर शीशे को काटकर बाहर लोगों को निकाल पाना बड़ा ही चैलेंजिंग साबित हो रहा है। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। लखनऊ के लेवाना होटल में आग लगी, राहत और बचाव कार्य किस तरह से किया जा रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बाहर नीचे जो लोग खड़े हुए हैं वो बेहद परेशान इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। खिड़की तोड़कर वहां अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की जद्दोजहद में इस वक्त फायर फाइटर्स जुटे हुए हैं। ये तीन तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस वक्त लखनऊ का ये हजरतगंज इलाका और वहां के लेवाना होटल में आग लगने के बाद वहां फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए किस तरह जूझ रहे हैं फायर फाइटर्स वो इन तस्वीरों में साफ जाहिर हो रहा है। तीसरे फ्लोर पर आग लगी हुई है जो मुख्य तौर पर अभी बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है। और हमारे साथ फायर ऑफिसर वीके सिंह जी जुड़ रहे हैं। वीके सिंह जी, वहां पर अभी क्या स्थिति है, कितने लोग अंदर फंसे हुए हो सकते हैं और किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, हमारी जो मैक्सिमम गाड़ियां हैं यहां पे पहुंच चुकी हैं, रेस्क्यू कार्य चल रहा है, आग पे कंट्रोल करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को हमने निकाल दिया है, अभी स्मोक है तो थोड़ा सा अभी ये कह पाना की मुश्किल है की कितने लोग फंसे हैं या कौन लोग हैं, लेकिन ये है कि हम लोगों ने मैक्सिमम लोगों को निकालने की कोशिश की है और अब ये आधे घंटे के बाद ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल स्थिति क्या है। जिन लोगों को बाहर निकाला गया उनकी हालत कैसी है? नहीं, वो ठीक है, दे आर इन गुड कंडीशन। सिंह साहब, बहुत क्रूशियल टाइम में हम समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन वहाँ क्या अभी और गाड़ियाँ बुलाई जा सकती है फायर फाइटर्स की? मैम, हमारे पास इस समय मैक्सिमम गाड़ियां हैं, हमारे पास गाड़ियों की अवेलेबिलिटी इसमें प्रॉपर है। अब स्मोक है उसको हम लोग काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही शीघ्र ही इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। किस वक्त आपको एक कॉल मिली थी आग लगने की वहाँ पर? मैम, हम लोग थोड़ा सा कर लिए रेस्क्यू कार्य कर लें उसके बाद। जी, हम समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो फायर ऑफिसर वीके सिंह जी को आप सुन रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका सर हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर जो मैक्सिमम गाड़ियां हैं उनको लगाया गया है आग पर कंट्रोल करने के लिए और अधिकतर लोगों को बाहर निकाला जा सका है, ये यहाँ पर अधिकारी इस बात की जानकारी देते हुए। लेकिन अभी वहाँ पर काफी स्मोक है तो ऐसे में ये कह पाना कि कितने और लोग फंसे हो सकते हैं अंदर काफी मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा इस तरह की संभावना व्यक्त की गई है जो फायर विभाग के अधिकारी हैं उनकी ओर से। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त सुबह के समय ये इस बात की सूचना भी हुई कि यहाँ पर आग लगी है लखनऊ के लेवाना होटल में, तीसरे फ्लोर पर यह आग लगी और धुआं भी आप इस फ्लोर से बाहर निकलता हुआ देख सकते हैं। काफ़ी मेहनत, कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ पर फायर फाइटर्स को अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में, क्योंकि बाहर खिड़की पर बाहर की तरफ से लोहे के पैनल लगे हुए हैं जो यहाँ पर अड़चन साबित हो रहे हैं। पहले इन पैनल को काटना और उसके बाद अंदर लगे खिड़की पर लगे शीशे को तोड़कर वहाँ फंसे लोगों को बाहर निकालने की जद्दोजहद इस वक्त दमकल विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त था तो ऐसे में कई ऐसे लोग जो अंदर सो रहे थे उन्हें बहुत देर से इस बात का एहसास हुआ, लेकिन वक्त रहते उनको बाहर निकालने की कोशिश यहां पर शुरू कर दी गई ये कहा गया है फायर विभाग के अधिकारी की ओर से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।